आपके तमाम नेता बागी हो गए, आपने 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए जिसमें से एक मंत्री शामिल हैं। देखिए, कुछ को मनाने में हम सफल हो गए, कुछ नहीं माने तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मान जाएंगे। हमारा फोकस सीधा है, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। बीजेपी के 21 बड़े नेताओं ने बगावत कर दी है, बीजेपी को लात मारते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है, सदमा लग गया है। क्योंकि ये 21 बड़े नेता ऐसे हैं जिन्होंने बगावत करके बीजेपी के ही उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। निर्दलीय फाइट करेंगे और बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी कड़ी में एनडीटीवी ने भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत की है, उनसे तीखे सवाल पूछ दिए। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर ट्वीट देखिए, फिर हम इंटरव्यू का थोड़ा सा हिस्सा भी सुनाएंगे जिसमें बीजेपी के नेता बागी क्यों हो रहे हैं और इसका क्या उपाय है वो बता रहे हैं। फिर आगे हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिसने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। तो सबसे पहले ट्वीट देखते हैं। सौरभ शुक्ला ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा गया है, हिमाचल में रिवाज रहा है कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, क्या इस बार ये रिवाज बीजेपी बदल पाएगी। दूसरा सवाल जो इम्पोर्टेंट है, जो इस खबर से सीधे जुड़ा हुआ है, बीजेपी के 21 नेता बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इससे होगी बीजेपी की राह मुश्किल। ये सवाल पूछा गया है, ऐसे कई तरीके सवाल हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। पूरा इंटरव्यू जो है एनडीटीवी पर है और एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला ने उनसे बातचीत की है और तमाम तीखे सवाल उनसे पूछे हैं। तो आइए जरा सुनते हैं वो हिस्सा जिसमें बीजेपी के नेता बागी हो रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, जयराम ठाकुर बता रहे हैं। रेबल फैक्टर, आपके तमाम नेता बागी हो गए, आपने 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए जिसमें से एक मंत्री शामिल है, कुछ को तो आपने मना लिया लेकिन दो मौजूदा विधायक आपके चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता बागी होकर के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, उसका कितना असर देखते हैं, इन फाइटिंग का कितना असर देखते हैं, कुछ को मनाया कुछ नहीं माने। देखिए, कुछ को मनाने में हम सफल हो गए, कुछ नहीं माने तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे मान जाएंगे। हमारा फोकस सीधा है, नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना। तो सुन लिया आपने, जयराम ठाकुर ने यहाँ पर कहा है कि रिवाज हम बदल देंगे, यहाँ पर बीजेपी जो है फिर से कम बैक करेगी और दोबारा सत्ता में आ जाएगी, मतलब कंटिन्यू रहेगा। और दूसरी बात जो बागी वाली बात है, उन्होंने कहा है कि हम लोगों का मकसद साफ है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि जो बागी है उनसे हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के चेहरे पर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे पर यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि उन लोगों को कितना बड़ा सदमा लगा है, झटका लगा है। हिमाचल में उनके पैरों तले से जमीन खिसकने जा रही है, यह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि बीजेपी जिस रणनीति पर वहां चली, वहां पर नेताओं के पर कतरे गए, वहां पर टिकट काटे गए, जिसके चलते नाराजगी देखने को मिल रही है, और ऐसे तमाम विधायक, पूर्व विधायक, नेता, ये सब बागी होकर वहां हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की नींदें उड़ाने में लगे हैं। अब आते हैं उस खबर पर, हिंदुस्तान ने इस मामले में जो खबर प्रकाशित की है, 21 नेताओं के बारे में जानकारी भी है, क्या कारण है, क्यों हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को टेंशन है। अपने स्क्रीन पर लाइव हिंदुस्तान की यह खबर देखिए, हेडलाइन है, हिमाचल में ये 21 नेता बढ़ा रहे भाजपा की टेंशन, जिताऊ सीटों पर भी बिगड़ सकता है खेल। मतलब जिस सीट पर बीजेपी जीतती रही है वहां भी पूरा खेल बिगड़ सकता है। कैसे बिगड़ेगा, खबर के अंदर देखते हैं। खबर में लिखा गया है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है और उम्मीदवारों की ओर से नामांकन वापस लेने का समय खत्म हो चुका है। इसके साथ ही चुनाव की तस्वीर भी साफ हो चुकी है कि किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होना है। इस बीच भाजपा 68 सीटों वाले राज्य में 21 सीटों पर बागियों से ही घिरी दिख रही है। पार्टी की ओर से तमाम कोशिशें की गई ताकि बागियों को मनाया जा सके। कुल्लू से महेश्वर सिंह और धर्मशाला से अनिल चौधरी जैसे नेताओं को मनाकर बिठा भी लिया गया। इसके बाद भी देहरा, इंदौरा, मंडी और हमीरपुर जैसी सीटों पर बागी भाजपा को टेंशन दे रहे हैं। यानी बीजेपी की राहें हिमाचल प्रदेश में मुश्किल भरी हो गई है।
कांटों पर बीजेपी चल पड़ी है, मुख्यमंत्री के पसीने छूट रहे हैं जयराम ठाकुर के और जो भी वहां पर चुनाव प्रभारी गए हैं, तमाम लोगों के दिल में यही बात घर कर गई है कि इस बार तो भैया सत्ता गई, क्योंकि बागियों से पंगा लेना इतना आसान होता नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी के विधायक, पूर्व विधायक और नेता लात मार रहे हैं पार्टी को, उससे साफ पता चलता है कि उनकी नाराजगी जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान देने की तैयारी में है। कुछ नाम हैं जो हिंदुस्तान ने साफ साफ बता दिए हैं कि कौन कौन से ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो बागी हो गए हैं, क्योंकि यह खबर जो है बीजेपी को चौंका देने के लिए काफी है। इसमें बताया गया है कि ऐसी कुल 21 विधानसभा सीटें हैं जहां से बागियों ने चुनाव लड़ने का दम भरा है। इनमें से एक सीट बंजार की भी है जहां से महेश्वर सिंह के बेटे हितेश्वर सिंह बागी होकर उतरे हैं। खुद महेश्वर सिंह चुनाव में नहीं है लेकिन बेटे बागी के तौर पर सामने हैं। इसके अलावा आनी से विधायक किशोरी लाल सागर, देहरा से विधायक होशियार सिंह, नालागढ़ से पूर्व विधायक केएल ठाकुर, इंदौरा से पूर्व विधायक मनोहर धीमान, किन्नौर से पूर्व भाजपा विधायक तेजवंत नेगी ने पार्टी के फैसले के खिलाफ चुनावी समर में उतरने का निर्णय लिया है। इन सभी नेताओं के इलाके में एक पैठ रही है और पूर्व विधायक रहने के चलते काडर पर भी प्रभाव रहा है। हालांकि देखना होगा कि अपने दम पर वे भाजपा को क्या नुकसान पहुंचा पाते हैं। नुकसान निश्चित तौर पर पहुंचा सकते हैं क्योंकि कोई विधायक है सिटिंग विधायक, कोई पूर्व विधायक है, तो इनका जनता के बीच अपना भी जनाधार है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए टेंशन है। ये तो आप छोटी सी लिस्ट देखिए, लिस्ट कहीं और लंबी है। हिंदुस्तान ने इस मामले में पूरी जानकारी दी है, हम आपको बताते हैं। इसमें बताया गया है कि बागियों की यह लिस्ट कहीं लंबी है। फतेहपुर से पूर्व सांसद कृपाल परमार, सुंदरनगर से पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर के बेटे अभिषेक ठाकुर, बिलासपुर से सुभाष शर्मा, मंडी सदर से भाजपा नेता प्रवीण शर्मा, कुल्लू सदर से राम सिंह और नाचन से भाजपा नेता ज्ञान चंद भी बागी उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं। इनके अलावा भी कुछ नाम बताए गए हैं। भाजपा नेताओं में धर्मशाला से विपिन नेहरिया हैं जो भाजपा के एसटी मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, मतलब इतने बड़े ओहदे पर रहने वाले भी बागी हो गए हैं। वहीं कांगड़ा से कुलभास चौधरी, मनाली से महेंद्र सिंह ठाकुर, बरसर से संजीव शर्मा, हमीरपुर से नरेश दर्जी, भोरंज से पवन कुमार और रोहरू से राजेंद्र देवटा चुनाव लड़ेंगे। चंबा सदर से भाजपा नेता इंदिरा कपूर, हमीरपुर से आशीष शर्मा भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो ये उन नामों की पूरी फहरिस्त है और ये लिस्ट काफी लंबी है, पता नहीं कितने और बागी हो जाएंगे। तो बीजेपी के लिए 68 सीटों में से 21 से अधिक सीटों पर बागी उम्मीदवारों से लड़ना है, विपक्षियों से भी लड़ना है, अपने बागियों से भी लड़ना है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में सत्ता हाथ से निकलती हुई साफ साफ दिखाई पड़ती है। भले ही जयराम ठाकुर यह दावा कर लें कि यह रिवाज बदलेगा कि 5 साल किसी और पार्टी को, 5 साल किसी और पार्टी को, भाजपा है तो भाजपा ही आएगी, जयराम ठाकुर को ऐसा भरोसा है, लेकिन पूरी स्थिति यह बता रही है कि बीजेपी को अपनों का ही तेवर झेलना पड़ रहा है। जो बगावत कर बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उन लोगों ने बीजेपी की नींदे उड़ा दी है। अब चुनाव में क्या होगा, क्या बीजेपी यहां पर अपना सत्ता बचा पाएगी, ऐसा मुश्किल है। और गुजरात हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह इस बार सत्ता परिवर्तन को साफ साफ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि उनके अपने भी नाराज, कहीं जनता भी नाराज, तो हर तरफ जो है इतना बड़ा टेंशन है बीजेपी के लिए कि इस बार पार पाना आसान नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।